हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज मैं एक नया वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा वीप होल्स के बारे में, WEEP। ठीक है, तो वीप होल्स क्या होते हैं हमारे, तो ये इस तरह का वीप होल है। तो वीप होल क्या होते हैं, दीज आर द स्मॉल ओपनिंग, ये चाहे रेक्टेंगल भी हो सकती हैं और सर्कुलर भी हो सकती हैं, डैट अलाउ वाटर टू ड्रेन, मतलब जो पानी हमारा पीछे से आ रहा है उसको ड्रेन करने के लिए। ठीक है, तो ये वीप होल्स हम प्रोवाइड करते हैं रिटेनिंग वॉल में। अब रिटेनिंग वॉल में आप क्यों प्रोवाइड करते हैं, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए सरफेस टेंशन क्या होती है। सरफेस टेंशन की वजह से हमारा एक टोटल स्ट्रेस डेवलप होता है। आपने सॉइल मैकेनिक्स में पढ़ा होगा कि जो टोटल स्ट्रेस होता है वो हमारा होता है इफेक्टिव स्ट्रेस प्लस पोर वाटर प्रेशर। ठीक है, तो इफेक्टिव स्ट्रेस में क्या आ जाएगा, हमारा जो सॉइल का जो मास है उसका इफेक्टिव स्ट्रेस आ जाएगा। ठीक है, और पोर वाटर प्रेशर क्या है, मान लो कि बारिश होती है तो उसकी वजह से जो पानी का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है उसको हम पोर वाटर प्रेशर कहते हैं। ठीक है, तो हम वीप होल्स इसलिए प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि जो हमारे, मतलब मान लो कि रेन वाटर हुआ है तो उसकी वजह से जो पानी इकट्ठा हुआ है तो वो इन ड्रेन होल्स की वजह से निकल जाए। ठीक है, अगर हम रिटेनिंग वॉल प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसमें वीप होल्स डालना ज़रूरी है, क्योंकि अगर रिटेनिंग वॉल है हमारी और हमने उसमें वीप होल्स नहीं डाले तो हमारी जो रिटेनिंग वॉल है वो फेल हो जाएगी, कोलैप्स हो जाएगी। वो दो तरह से हो सकती है, या तो एक्टिव प्रेशर की वजह से हो सकती है या तो पैसिव प्रेशर की वजह से हो सकती है। अगर पैसिव प्रेशर की वजह से होगी तो रिटेनिंग वॉल सॉइल मास के ऊपर गिरेगी, और एक्टिव प्रेशर की वजह से होगी तो रिटेनिंग वॉल सॉइल मास को छोड़ के आगे की तरफ गिरेगी। ठीक है, तो पानी निकालना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसकी वजह से हमारा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बन जाता है। तो ये जो वीप होल्स आप देख रहे हैं, यहाँ से हम वाटर को निकलता है। अभी इस टाइम पे आपको कोई वाटर नहीं दिख रहा क्योंकि कोई रेन नहीं हो रहा। जब रेन ज़्यादा, मतलब पानी ज़्यादा हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है, इन वीप होल से जो पानी निकलता है और उससे जो हमारा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है यानी पोर वाटर प्रेशर है वो कम हो जाता है। अब किसी के मन में सवाल होता है कि अगर हम वीप होल प्रोवाइड ना करें तो क्या होगा। ठीक है, अगर मान लो कि हम वीप होल्स प्रोवाइड नहीं करते हैं तो उससे ये होगा कि जो हमारी रिटेनिंग वॉल पे जो प्रेशर इंक्रीज होता है ना, तो वो इतना प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा कि एक लिमिट के बाद वो कोलैप्स हो जाएगा। अब कोलैप्स किस तरह से होगा, ठीक है, तो कोलैप्स इस तरह से होगा कि जो हमारी दो तरह से हो सकता है, ओवरटर्निंग और स्लाइडिंग की वजह से। ठीक है, तो ये दो चीज़ें होंगी जिस वजह से हमारी रिटेनिंग वॉल कोलैप्स हो सकती है। जो सेम क्राइटेरिया जो होता है हमारा वो होता है डैम्स के लिए, तो डैम्स में भी दो क्राइटेरिया होते हैं जिसकी वजह से ओवरटर्निंग और स्लाइडिंग की होती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो हमारी ये जो थिकनेस है, थिकनेस हमारी वॉल की निकालनी हो, मान लो कि रिटेनिंग वॉल है। ठीक है, अब रिटेनिंग वॉल जो हमने बना दी, अब जो आप थिकनेस देख रहे हो कितनी चौड़ाई है, वो कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, अब मैं आपको पूरी वीडियो में बताता हूँ जो हमारा फॉर्मूला है। फॉर्मूला में क्या होता है हमारा, कि मान लो कि एक हमने रिटेनिंग वॉल बनानी है तो पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कितनी लेंथ में वो रिटेनिंग वॉल बन रही है और उसकी हाइट कितनी है। तो अगर मान लो, तो अब इसमें दो कंडीशन होती हैं, पहली जब हमारी जो लेंथ होती है वो लेस देन 6 मीटर हो, जब 6 मीटर से लेस हमारी लेंथ होती है तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, 0.4 × H, कि याद रखना 0.4 × H। थिकनेस मान लो हमारी 2 मीटर लेते हैं, सॉरी हाइट हम 2 मीटर लेते हैं, थिकनेस क्या होगी, 0.08 मीटर हो जाएगी। ठीक है, अब सिमिलरली मान लो, तो केस टू के बारे में बात करेंगे जहां आप बोलोगे कि जब हमारी 6 मीटर से ज़्यादा की लेंथ हो। ठीक है, 6 मीटर से ज़्यादा लेंथ हो तो उसका फॉर्मूला कहता है 0.4 × H + 30 सेंटीमीटर। अभी सेंटीमीटर में, इसको मीटर में करेंगे तो क्या होगा, 0.4 × H + 0.3। ठीक है, अब मान लो कि लेंथ हमारी 7 मीटर से है, क्योंकि हमारी 6 मीटर से ज़्यादा के लिए फॉर्मूला है, तो 0.4 × H + 0.3, तो टोटल कितनी आएगी, 3.1 मीटर आ जाएगी। तो इस तरह से हम थिकनेस निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमारी रिटेनिंग वॉल्स में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर ओवर टाइम, जैसे मान लो कि हमारी थिकनेस रिटेनिंग वॉल है, तो उसमें क्या सबसे पहली प्रॉब्लम क्या होगी, वाटर रिवर से एफ्लोरेंस हो सकती है, उसके बाद एल्गी, जो एल्गी हो सकती है कि एल्गी, आप ये देख रहे हो कि ये देखो एल्गी की प्रॉब्लम है। तो इसके लिए दो चीज़ें हैं, कि आप टाइम टू टाइम कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन का यूज़ कर सकते हो, या फिर आप एक ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ कर सकते हो जिससे एल्गी की ग्रोथ है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो ये था पूरा वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि कैसे हम, क्या होते हैं वीप होल्स, क्यों ज़रूरी होते हैं, क्या हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है, पोर प्रेशर क्या होता है, हमारा इफेक्टिव लेंथ, इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है। ठीक है, तो टोटल स्ट्रेस क्या था हमारा, इफेक्टिव प्लस पोर स्ट्रेस था। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा पूरा आपको व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन एक्टिव अर्थ प्रेशर, पैसिव अर्थ प्रेशर। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, सब्सक्राइब करो ताकि मेरे को एक मोटिवेशन मिलता है आप सबको नई चीज़ बताने में। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। ठीक है, तब के लिए धन्यवाद।